हेलो दोस्तों, स्वागत करता है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल जी के एजुकेशन में। तो आज है 22 अगस्त और इस वीडियो में देखने वाले IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज के आंसर। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए डेली क्विज को खेल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज के पूछे गए, साधारण नमक से बना खनिज कौन सा है? तो इसका दोस्तों सही जवाब NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पहले का ऑप्शन नंबर ए को लगा देना है सभी लोग, पहले का ए सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्यवसाय में FMCD का पूर्ण नाम क्या है? तो पूर्ण रूप नाम है दोस्तों फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर डुलबक्शन। सही जवाब नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, दूसरे का बी को लॉक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा कौन सा शब्द है जो थक विक्रेता के विपरीत सीधे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की संदर्भित करता है? तो इसका दोस्तों रिटेल हो जाएगा, रिटेल। ऑप्शन सही जवाब सी सही जवाब है, रिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे गए, किस प्रकार के डॉक्टर मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी नसों से संबंधित समस्याओं को निदान और उपचार के ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट जो रहती है वो दोस्तों, वो डॉक्टर मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और नसों का संबंधित। सही जवाब, तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, चौथे का सी को लॉक करना है। लास्ट क्वेश्चन आज के क्वेश्चन नंबर 5 में पूछेगा, IDFC फर्स्ट बैंक साथ वीडियो KYC पूरा करने के लिए कितना समय लगता है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ वीडियो KYC पूरा करने के लिए समय लगता है, मुझे लग रहा है कि इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, 5 मिनट से कम। सही जवाब, 5 मिनट से कम ही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग लॉक कर देना है, 5वें का बी सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे आज के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज के आंसर, फटाफट कह लीजिए आप सभी लोग। मिलते हैं दोस्तों रात 9 बजे, क्योंकि आज है एक कलर का सवाल का जवाब आप लोग को मिलेंगे, एक कलर का आने वाला है दोस्तों, तो आप लोग जरूर जुड़िए आज रात 9 बजे हमारे साथ। तो दोस्तों ये थे आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा आप सभी लोग, और वीडियो को ज़्यादा से दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों रात 9 बजे, तब तक के लिए सभी साथियों का टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।